अरे योगी जी, ये तुमने भाई। अखिलेश को किस काम पे लगवा दिया? मैंने तुमसे कहा था अखिलेश के लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढो। अरे भैया, इनके लेवल का काम ढूंढो, ये तुमने कहाँ ईंटों के भट्टे पे लगवा दिया। अरे भैया, वो सीएम रह चुके हैं एक बार प्रदेश के, इनका कोई अच्छा सा काम ढूंढो यार। योगी, क्या कर रहे हो तुम? अरे मोदी चाचा, मैंने तो अखिलेश के लिए एक भैंसों का तबेला खुलवाया था। अब पता नहीं अखिलेश का भी उन कामों में मन नहीं लगता, ये भी ऐसे ही काम करना चाहते हैं। मैंने तो इनके लिए एक बेहतरीन तबेला खुलवाया था, ये वहां से भाग के यहाँ गए। हम इसको ढूंढते ढूंढते ही तो यहाँ आए। भाई अखिलेश बाबू, तुम्हारे साथ किसी ने कोई दिक्कत कर दी हो तो हमें बताइए, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। अब पता नहीं अखिलेश को भी पता नहीं धूप में काम करने की कुछ ज़्यादा ही चुल मची हुई है। अरे मोदी योगी जी, अपनी बकवास बातें अपने पास रखिए। अरे मेरी मर्जी, मैं जहाँ रहूँ जहाँ काम करूँ ये मेरी मर्जी चलेगी। ये लोकतंत्र के लिए धब्बा है तुम जैसे लोग जो ऐसी बातें करते हो। अरे भैया, मैं यहाँ भट्टे पे काम करूंगा, धूप में काम करूंगा, मुझे नहीं रहना भैंसे के तबेले में, वहां गोबर की गंध ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे योगी महाराज और अखिलेश बाबू, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे खाट से उतार के नीचे बैठा दिया। मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा तुम दोनों से, याद रखना। अरे मोदी जी, तुम क्या बदला लोगे हमसे? अभी तो मैंने तुझे खाट से उतारा है, अभी तो तुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारूंगा, और फिर मैं बनूंगा इस देश का नया राजा, योगी आदित्यनाथ। और मोदी जी, ज्यादा बहम में और ना रहिए कि कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। हम भी इस राजनीति को बहुत बारीकी से जान गए हैं मोदी जी, हम भी जानते हैं इस जियो पॉलिटिक्स को, कौन लोग इस देश को चलाते हैं, कहाँ से सत्ता परिवर्तन होता है, कौन करवाता है, सब जानता हूँ मैं। इसलिए मोदी जी, पंगा नहीं लेने का, वरना डंडा कर देंगे डंडा। अब हम होंगे प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव होंगे यूपी के मुख्यमंत्री। ठीक है अखिलेश बाबू, संभालना कुर्सी। अरे बिल्कुल ठीक कहा योगी जी तुमने, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे साथ रहूंगा भैया। मुझे तो यूपी का मुख्यमंत्री बनना है और तुम्हें इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए प्रधानमंत्री तुम बनोगे, क्योंकि अब ईवीएम पे कब्जा हमारा रहेगा। अरे योगी जी, टायर के ऊपर से उतरिए यार, ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? अरे टायर के ऊपर कौन बैठता है? बैठो तो यहाँ बैठो मेरे बराबर में आके। एक तो तुमने मेरा ट्रैक्टर फंसवा दिया, ऊपर से टायर के ऊपर और बैठ रहे हो। एक वो रहे मोदी चाचा, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं फावड़ा लेके। ओ चाचा, ओ मोदी चाचा, अरे इधर आइए भैया, मेरे ट्रैक्टर के पिछले पहिए के आगे से माटी निकालिए। अरे इस मट्टी को निकालेंगे तभी तो ये ट्रैक्टर आगे को निकलेगा। ये पता नहीं क्या क्या नशा करके घूम रहे हैं सब। अरे अखिलेश बाबू, अपनी बकवास बातें बंद करिए, तुमसे एक ट्रैक्टर तो चल नहीं रहा, तुम सरकार चलाने की बातें कर रहे हो, इसलिए जनता ने तुमको नकार के वहां योगी को सीएम बनाया है। अरे भैया, तुम पहले बैलगाड़ी चलाओ फिर ट्रैक्टर चलाना, तुम पता नहीं सीधा ट्रैक्टर चलाने लग गए। इसलिए भैया, मेरे पास समय नहीं है सब फालतू कामों के लिए, अपने ट्रैक्टर की मट्टी आप खुद हटाओ, मैं जा रहा हूँ अपने खेत में काम करने के लिए, मुझे नींबू की खेती करने, तुम्हें पता नहीं नींबू 500 रुपये किलो बिक रहा है इस समय। अरे वाह मोदी जी वाह, अरे क्या जवाब दिया मोदी जी तुमने तो अखिलेश को, कतई मौज कर दी मोदी जी। अरे मोदी जी, तुम नींबू की खेती करो, अखिलेश को छोड़ो इसके हाल पे, अबे अपना ट्रैक्टर खुद निकाल लेगा। और भैया, मैं तो यहाँ मजा लेने के लिए आया हूँ, मुझे किसी का कोई काम नहीं करना। योगी महाराज की जय हो। अरे सब्जी वाले भैया, सब्जी वाले, अरे ले जा भैया एकदम ताजा और फ्रेश सब्जी, ऐसी सब्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी भैया। टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो, आलू ले लो, अरे ले लो योगी जी, ले लो मोदी जी, तुम्हारे लिए एकदम सस्ती लगा देंगे। लो भैया सब्जी, ताजा सब्जी मिलने वाली है सिर्फ आपको अखिलेश के ठेले पे। अरे अखिलेश बाबू, ये क्या करने लग गए तुम? अरे भैया, हमने तुम्हारे लिए भैंसों का तबेला खुलवाया था, ये तबेले को छोड़कर तुम सब्जी बेचने लग गए, ये गलत बात है अखिलेश बाबू, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सब्जी भी तुम्हारी, देखो गली सड़ी सब्जी पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए। अरे भैया, जब सब्जी बेचना तो ताजा सब्जी बेचो, ये देखो पता नहीं टमाटर कौन से जमाने के हैं। अरे योगी जी, ये सब तुम्हारी वजह से तो हो रहा है जो अखिलेश को यहाँ सब्जी का ठेला खोलना पड़ गया। अरे अखिलेश बाबू को तुमने हरा दिया यूपी चुनाव में, अब बेचारे के पास और कोई काम धाम नहीं है। हम तो अखिलेश बाबू से यही कहेंगे, भैया हमारी पार्टी में आ जाओ, तुझको कोई मंत्री संतरी बनवा देंगे, वरना तो ठेले से अपना काम चलाते रहो। अरे अखिलेश बाबू, ये किस काम पे लगा दिया तुमने?
अरे तुम खुद तो बड़ी बड़ी दीवारें चिन रहे हो भैया, चिनाई मिस्त्री बन गए और हमको लगा दिया मजदूरी पे। अरे भैया ईंटें ढोते ढोते हमारे हाथों में छाले पड़ गए, ये देखो हमारे हाथों का हाल क्या हो गया। क्यों मोदी जी, तुमको कुछ दिक्कत नहीं हो रही है मोदी जी? अरे मोदी चाचा यार ये काम को छोड़ दो, हमसे नहीं होगा, हम कुछ और काम ढूंढते हैं, चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं योगी जी नहीं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो, कुछ दिक्कत नहीं हो रही। ओह नो, अरे ये मजदूर का नहीं, ये मोदी का हाथ है योगी जी, मोदी का। ये ईंट का आकार बदल के उसका पत्थर बना देता है। मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है मजदूरी करने से, मैंने तो बचपन में बड़ी मजदूरी करी है। तुमने सुना नहीं, मैंने बचपन में रेलवे स्टेशनों पे बड़ी चाय बेची है, उस चाय की वजह से ही आज मैं यहाँ मजदूरी पे पहुंचा हूँ। अरे चुप करो यार तुम दोनों, ये क्या बकवास लगा रखा है? योगी जी कह रहे हैं मुझे मजा नहीं आ रहा इस काम में, मोदी जी कह रहे हैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अरे क्या है भैया ये, अरे तुम जल्दी जल्दी ईंटें पकड़ाओ और इस दीवार को बिल्कुल आसमान तक चिन दूंगा जब तक तुम्हें जाना नहीं है। शाम को जाना अपनी पूरी दाढ़ी लेके, आए समझ में योगी मोदी जी? चलो जल्दी जल्दी लाओ।